कीमती 2600 पेड़ आखिर कहां गए, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। सुजारा बांध कैचमेंट एरिया से मई जून में वन विभाग द्वारा 2600 पेड़ों की कटाई कराई गई थी। कटाई के बाद ये लकड़ी वन विभाग के घोटाले में लिप्त अधिकारियों ने बताया कि पहुंचाई किसको पता नहीं चल सका। मामला उजागर होने के बाद लगातार जांच चली और जांच टीम ने 7 दिसंबर को विभाग को जांच सौंप दी। इसमें टीम ने पाया कि पेड़ों के अवैध रूप से कटाई की गई और इन्हें ठिकाने लगा दिया गया, बावजूद इसके 1.5 साल बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई। लकड़ी का वहाँ से जब निकली थी सारी लकड़ी भिजवाई थी, पता था मार्किंग करवा के, मार्किंग के बाद जो भी लकड़ी वहाँ कटाई में निकली ऐसा कुछ यहाँ ऐसा पाया गया कि कहीं पी जो सी बैंक जा रही है ऐसा कुछ बारे यहाँ का नहीं बताता है। काली केल आदिवासी, इसमें इनके खिलाफ विभाग ने जांच संदर्भ की थी लेकिन 2 बार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस संबंध में हमने मध्य प्रदेश शासन को कई बार पत्राचार किया है। उन्होंने सुष्टा मेश्राम तात्कालिक वन परिचय अधिकारी को हटा दिया गया था लेकिन अभी तक और जो अन्य दोषी कर्मचारी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। शासन को इसमें करीब 50 लाख से भी ऊपर की हानि हुई है।